भारत में मिड साइज सेडान सेगमेंट की कारों को काफी पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में बीते कई सालों से हुंडई वर्ना, होंडा सिटी और मारुति सियाज का कब्जा रहा है, लेकिन अब टोयोटा ने भी इस सेगमेंट में एंट्री ले ली है। कंपनी ने टोयोटा यारिस को लॉन्च करके इस सेगमेंट में मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। कई मामलों में टोयोटा यारिस और नेक्स्ट जनरेशन हुंडई वर्ना के बीच मुकाबला देखा गया है। आइए नजर डालते हैं टोयोटा यारिस और वर्ना की खासियतों पर। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कारों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। एक ओर जहां टोयोटा यारिस सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, वहीं हुंडई वर्ना के साथ कंपनी ने पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों का ही ऑप्शन दिया है। टोयोटा यारिस में 1.5 लीटर ड्यूल VVTi पेट्रोल इंजन लगा है, जो 105 HP का पावर और 140 Nm का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। वही हुंडई वर्ना 1.4 लीटर पेट्रोल, 1.6 लीटर पेट्रोल और 1.6 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। यारिस के पेट्रोल इंजन से तुलना करें तो वर्ना को 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन 100 PS का पावर और 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन 123 PS का पावर देता है। वर्ना के 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन वर्जन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। अब एक नजर डालते हैं टोयोटा यारिस और हुंडई वर्ना के स्टैंडर्ड फीचर्स पर। टोयोटा यारिस में 7 एयरबैग, ABS, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, पावर विंडोज, 60-40 रियर स्प्लिट सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं इस कार में रूफ माउंटेड रियर AC, पावर ड्राइव स्पीड, वाइब्रेशन कंट्रोल ग्लास, फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। अगर बात करें हुंडई वर्ना की तो कई ऐसे फीचर्स हैं जो इस कार को खास बनाते हैं। वर्ना में वेंटिलेटेड सीट्स, हैंड्स फ्री स्मार्ट ट्रंक जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। अब एक नजर डालते हैं टोयोटा यारिस और हुंडई वर्ना की कीमतों पर। टोयोटा यारिस की एक्स शोरूम कीमत 8.47 लाख रुपए से लेकर 14.07 लाख रुपए के बीच है। वहीं हुंडई वर्ना की एक्स शोरूम कीमत 7.80 लाख रुपए से लेकर 12.95 लाख रुपए के बीच है। अगर कीमत के लिहाज से देखा जाए तो टोयोटा यारिस वर्ना के मुकाबले थोड़ी महंगी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या ये अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ पाती है या नहीं।